स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद महत्वपूर्ण खबरों में। देश में आज शर्तों के साथ सभी दुकान खुलने पर छूट, 50% स्टाफ कर सकेगा काम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन जारी कर रखा है जो 3 मई तक चलने वाला है। इस बीच गृह मंत्रालय ने एक बेहद बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक देश के सभी दुकानदारों को शर्त के साथ दुकान खोलने की इजाजत दी गई है। दुकानदारों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेगा। हालांकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल सब बंद रहेंगे, उन्हें खुलने की इजाजत नहीं दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल से देश में व्यावसायिक गतिविधियां अपनी रफ्तार पकड़ सकती हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे, सिर्फ जरूरी सामान और फल सब्जी और किराना की दुकान खुली हुई थी। लेकिन गृह मंत्रालय ने अब एक नया आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार के आवासीय कॉलोनी के समीप बनी दुकानों और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, जो कि नगर पालिका निगम और नगर निगम पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इस इजाजत के तहत गृह मंत्रालय ने कुछ शर्त भी रखी है। शर्तों के मुताबिक सभी दुकानदार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा। स्टाफ के द्वारा मास्क अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन करना होगा। चलिए अब जानते हैं दोस्तों चाइनीज बीमारी कोरोना वायरस की अपडेट। अब तक 23,452 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। 4,814 लोग अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 723 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में अब तक 27,45,677 लोग इस बीमारी की चपेट में। वहीं 1,92,125 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 7,52,148 लोग अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि ये बीमारी जल्दी से जल्दी इंडिया से खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। छात्रों के बाद लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाएगी शिवराज सरकार। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार अपने मजदूरों को अब गृह राज्य वापस बुलाएगी। लॉकडाउन के चलते देश में अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को जानकारी दी कि लॉकडाउन के कारण अन्य जिलों में फंसे हुए जो मध्य प्रदेश के मजदूर हैं उन्हें वापस बुलाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की है। इसके लिए जल्दी मजदूरों की जानकारी जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है। अन्य राज्यों से मजदूरों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से भी बात की है। सभी मुख्यमंत्रियों ने शिवराज सिंह चौहान को अपने अपने राज्यों की ओर से पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। सरकार अन्य प्रदेशों में फंसे व्यक्तियों को लाने के लिए उनके परिवार वालों से जानकारी लेगी, मध्य प्रदेश से आने जाने की अनुमति भी देगी। इसके साथ मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए प्रदेश सरकार जाने की इजाजत प्रदान करेगी। दूसरे प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में फंसे मजदूरों को भी उनके जिले वापस लौटने के लिए आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में जल्दी संबंधित अधिकारी निर्देश जारी करेंगे। हालांकि इस फैसले के बाद इंदौर में फंसे मजदूर वापस नहीं आ सकेंगे क्योंकि इंदौर में महामारी का प्रकोप सबसे ज्यादा है। सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश के सभी संक्रमित क्षेत्रों में इंदौर से किसी भी मजदूर को वापस आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा हो सकता है। जानकारी देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह कार्य पूरी सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जाएगा। राज्य और जिले की सीमा को वापस लौटने वाले मजदूरों के स्क्रीन के साथ स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। दोस्तों आज से चांद दिख गया, देश भर में रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया। पीएम मोदी ने भी रमजान की बधाई दी। कोरोना वायरस के बीच मुसलमानों का रमजान का पवित्र महीना शनिवार से शुरू हो रहा है। शुक्रवार को चांद देखा गया, इसी के साथ रमजान की घोषणा की गई है। शनिवार से इस पवित्र महीने की शुरुआत होगी। इस बीच रमजान शुरू होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने मुबारकबाद दी है। प्रधानमंत्री ने रमजान का महीना शुरू होने पर ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा, रमजान मुबारक हो, मैं सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। यह पवित्र महीना अपने साथ दया, सद्भाव और करुणा की प्रचारिता को लेकर आए। हम कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में कामयाब होंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि हर किसी को रमजान मुबारक, मैं रमजान के इस महीने में सभी के लिए शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इस बार रमजान का महीना ऐसे समय शुरू हो रहा है जब देश में कोरोना संक्रमण फैलने रोकने के लिए लॉकडाउन है। इस पवित्र महीने को लेकर केंद्र राज्य सरकारों ने खास तैयारी, सिर्फ स्लीपर कोच ज्यादा किराया और लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलाने का यह प्रस्ताव। कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। मोदी सरकार ने इस जानलेवा वायरस रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर रखा है। इसके चलते मेट्रो, फ्लाइट, सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद है। यह लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। इस बीच रेलवे ने लॉकडाउन के बाद कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने का फॉर्मूला तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरुआत में कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है। ये ट्रेन सिर्फ ग्रीन जोन में चलाई जाएंगी, सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को यात्रा करने की इजाजत होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाकों में ये ट्रेन नहीं चलेगी, मतलब कि जहां ज्यादा मरीज हैं वहां ट्रेन नहीं चलेगी। इन स्पेशल ट्रेनों का किराया काफी ज्यादा रखा जाएगा ताकि लोग इमरजेंसी में ही यात्रा करें। इससे पहले सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और छात्रों समेत किराए में मिलने वाली रियायत को बंद कर दिया था। रेलवे की कोशिश है कि जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक कम से कम ही लोग यात्रा करें। प्रस्ताव के मुताबिक शुरुआत में सिर्फ स्लीपर ट्रेन ही चलाई जा सकती है। एसी कोच और जनरल कोच वाली ट्रेन नहीं चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों से जो मिडिल बर्थ होता है वो हटा लिया जाएगा। जिन लोगों का टिकट कन्फर्म होगा सिर्फ वही यात्रा कर पाएंगे। टिकट कन्फर्म नहीं होने पर यात्रा की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रेलवे ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए